करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, ठीक है। देखते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या चीज है भाई? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रॉप है। कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट वाला एलोट्रॉप है, मतलब कार्बन का ही एक कंपाउंड है बोल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका शेप क्या है, स्ट्रक्चर का हमारा जो तात्पर्य है वो है। तो स्ट्रक्चर का जो हमारा मीनिंग है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट क्या होगा, तो ये जो ग्रेफाइट है ये हेक्सागोनल शेप में या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होगा। कैसा होगा? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। हेक्सा जो वर्ड होता है वो किसको डिनोट करता है? तो ये सिक्स को डिनोट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से एक रिलेट करते हुए क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ग्रेफाइट का हेक्सागोनल है, उसी तरीके से डायमंड का क्या शेप होता है? तो भाई जो डायमंड का शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकेंड पे आते हैं। गैलेना इज एन अलॉय ऑफ, गैलेना एक मेटल का अलॉय है, मतलब बहुत सारे मेटल से मिलके जो एक कंपाउंड बनता है उसको हम जनरली अलॉय बोलते हैं। तो गैलेना में कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो गैलेना में लेड का यूज किया जाता है, ठीक है, लेड, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पीबी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूज कहां पर किया जाता है? गैलेना का अलॉय बनाने में किया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं ओर ऑफ टीन। क्या बोल रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन? ओर की बात कर रहे हैं, किसकी ओर की? टीन। टीन जो होता है उसके ओर को हम क्या बोलते हैं? तो टीन के ओर को बोला जाता है, ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसेटेराइट, इसको हम SnO2 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसका ओर है? तो ये टीन का ओर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन में हम आते हैं। क्या बोलता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। अब ये पीओपी क्या है? तो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। जो हमारा फ्रैक्चर वगैरह यदि किसी को हुआ होगा तो उनके हाथों में, पैरों में जो पट्टियां बनती है व्हाइट कलर की, जो जनरली लोग बोलते हैं सीमेंट की पट्टियां, वो बेसिकली क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी है। फॉल सीलिंग में भी पीओपी का यूज किया जाता है। पीओपी को गणेश जी की मूर्तियां बनाने में बैन भी किया जा रहा है, क्योंकि ये वॉटर में जाके इकट्ठा हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनानी चाहिए। भाई जो भी आप लोग गणपति लेके आएंगे घर में, कोशिश कीजिए इको फ्रेंडली गणपति लेके आए, मिट्टी की लेके आए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीओपी का यूज हमको कम से कम करना है। तो केमिकल फॉर्मूला देखते हैं पीओपी के मुद्दे पे आते हैं। तो पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज CaSO4 CaSO4.5H2O। इसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोला जाता है। हेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। ये हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और ये हाफ मतलब हेमी और H2O हाइड्रेट, ठीक है। लिख देती हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4.5H2O, ठीक, ध्यान रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम आते हैं बैलाडीला। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड जो बैलाडीला है वो किसके माइनिंग के लिए फेमस है? तो ये एक प्रकार के आयरन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा आयरन ओर है? हेमेटाइट, हेमेटाइट ओर, ठीक है। हेमेटाइट वाला जो आयरन होता है, जो कि हमारे इंडिया या छत्तीसगढ़ में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, तो इसके लिए बैलाडीला की जो माइंस है वो फेमस है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। मेटल यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको आयरन को, ठीक है, जिस प्रोसेस में आयरन के ऊपर हम एक मेटल की कोटिंग करते हैं। क्या करेंगे? सपोज ये क्या है, ये हमारा
आयरन है तो इसके ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर देंगे। तो ये कौन सा मेटल है जो इस गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज आता है? तो ये है हमारा जिंक। जिंक का जो है हम कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, आयरन को रस्टिंग से, जंग लगने से प्रिवेंट करने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। ठीक, सेवन क्वेश्चन में आते हैं। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, जो हमारा प्राकृतिक जल होता है, ठीक है, उसको बहुत सारे सोर्सेस से होता है, मिलता है हमको, उसमें सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? तो भाई जो वर्षा का पानी, जो रेन वाटर है, अंटिल एंड अनलेस दे आर इन कॉन्टेक्ट विद एसिड्स, एसिड रेन के कॉन्टेक्ट, मतलब एसिड के कॉन्टेक्ट में आके वो एसिड रेन नहीं बना लेता, तब तक के जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है वो कौन सा होता है? रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, एट नंबर का हमारा क्या कहता है? मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। सबको मालूम है कि जो वाटर का केमिकल कंपाउंड फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? H2O होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, बहुत सिंपल। लेकिन इसका मास रेशियो क्या है, मतलब यदि हम इन दोनों के मास का रेशियो निकाले तो क्या आएगा? तो याद रखेंगे 1:8 आएगा। 1 किसका होगा? हाइड्रोजन का, 8 किसका होगा? ऑक्सीजन का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिक्विड नॉन मेटल। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। एकमात्र नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में कराया था कि मर्क्यूरी, सीजियम, ये सब कैसे मेटल्स है? ये मेटल्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सी वॉटर इन टू प्योर वॉटर। जो सी वॉटर या सलाइन वॉटर होते हैं जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको हम नॉर्मल वाटर में, पीने के लायक पानी में कन्वर्ट किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? तो इसका आंसर मोस्टली सबको पता होगा कि घर में हमारा जो RO यूज होता है, जिसको बेसिकली आप रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हो, उस प्रोसेस का यूज किया जाता है सी वॉटर को जो प्योर वॉटर है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, RO या फिर क्या बोलते हैं इसे को हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ लिक्विड फ्लो करता है। जब हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो करेगा? हाई से लो फ्लो करेगा। ऑस्मोसिस वाले टॉपिक में मैं ये डिटेल करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल एक केमिकल नेम है किस कंपाउंड का? ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। हमारा जो एसिड किंग है, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 बोलते हो, उसी को ही ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम जानते हैं, इसी को एसिड किंग या किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। 12th नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, एंट एसिड क्या है? एंट एसिड मतलब एंटी एसिड। एंटी एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो कि एसिडिटी को या एसिड के नेचर को रिड्यूस करे। तो भाई एसिड को अपोज करने वाला, रिड्यूस करने वाला उसके एंटी में क्या होगा? बेस ही होगा। ठीक है, तो जो भी बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं में एंट एसिड, मतलब उन्हीं से ही एंट एसिड बनता है। जैसे आपका ईनो वगैरह हो गया, जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा वगैरह हो गया, वो सब क्या होता है? एंट एसिड होते हैं, ध्यान रखेंगे। 13th नंबर का क्वेश्चन आता है, एक्वारीजिया इज कंपोज्ड ऑफ। समझते हैं एक्वारीजिया क्या है। एक्वारीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें गोल्ड, सोने के जैसे मेटल्स को उसमें डुबाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो ऐसा मेटल जिसमें बहुत ही बहुमूल्य जो मेटल्स होते हैं, मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें गोल्ड वगैरह टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनको डीप किया जाता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम एक्वारीजिया। तो ये जो एक्वारीजिया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक्वारीजिया बनता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 बोलते हो, एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। ठीक है,
कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलके क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, जिसमें हम सोने जैसे बहुत ही कीमती मेटल्स को डीप करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 14th नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या है भाई, जिसको आप टेबल सॉल्ट बोलते हो, सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, NaCl के नाम से जानते हैं, यही हमारा क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, NaCl। लास्ट एंड 15th क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैसियस प्लांट हार्मोन, एक ऐसा प्लांट हार्मोन जो कि गैस के फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो ये हार्मोन है आपका इथाइलीन। इथाइलीन नाम का जो प्लांट हार्मोन होता है, इट इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्रूट राइपनिंग, फलों को पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आज हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सबको वन बाय वन ध्यान रखेंगे। जो लोग भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भाई सपोर्ट में कंजूसी मत कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।